हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ममास किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए मेथी की मुठड़ी बनाने की रेसिपी। यह मुठड़ी को उंधियों में यूज़ किया जाता है, उंधियों में डाला जाता है मुठड़ी, और ये मुठड़ी का स्वाद बहुत ही टेस्टी लगता है। बनाने में बहुत ही आसान है ये मुठड़ी। ये मुठड़ी ना ही सिर्फ उंधियों में मगर और भी सब्जियों में भी आप ऐड कर सकते हो, और उसको एक बार बना लिया तो 10 से 15 दिन तक आप उसे अच्छी तरह स्टोर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी बनाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलिए बनाते हैं आज मेथी की मुठड़ी। मेथी की मुठड़ी बनाने के लिए ये मैंने दरदरा पिसा हुआ आटा लिया है, गेहूँ का आटा है ये। अब उसमें 3 से 4 टेबल स्पून जितना बेसन ऐड किया है, 1 कप फ्रेश मेथी को मैंने बारीक चॉप करके वॉश कर लिया है वो ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जितनी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जितना धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून जितनी शक्कर ऐड करेंगे। अगर आप शक्कर अवॉइड करना चाहते हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब 2 से 3 टेबलस्पून जितना बारीक कटा हुआ हरा लहसुन मैं ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून जितने सफ़ेद तिल ऐड कर रही हूँ। अब 3 से 4 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे और सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास दरदरा आटा नहीं है गेहूं का तो आप बारीक आटे से भी ये बना सकती हो। उसमें थोड़ा सा सूजी का यूज़ करें, 2 से 3 टेबलस्पून आप सूजी को भी ऐड कर सकते हो तो उसकी मुठड़ी भी बहुत अच्छी बनती है। अब मेरा आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है और उसका बाइंडिंग टेक्सचर आप देख सकते हो। थोड़ा सा ही पानी मिला के उसका आटा हम लोग गूंद लेंगे। अगर आपके घर में ज़्यादा तीखा खाया जाता है, ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं खाने के लिए, तो आप उसमें अदरक मिर्ची की पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए, मेरा आटा तो तैयार हो चुका है। अब उसमें से छोटी छोटी लोइयां बना के उसके हम लोग गोले बना लेंगे। आप जो साइज़ के पसंद हो वो साइज़ के बना सकते हो, मगर हम लोग सब्जी में यूज़ करने वाले हैं तो उसकी साइज़ छोटी ही रखेंगे। कई लोग उसको ओवल शेप का भी बनाते हैं, यहाँ पे मैं उसको गोल बना रही हूँ। अब सारी मुठड़ी मेरी तैयार है बन के। तो ऑलरेडी मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से जैसे गर्म हो चुका है, इसकी फ्लेम स्लो कर दें। कभी भी कुछ भी डीप फ्राई करने से पहले ऐसे चेक कर लें तेल गर्म हुआ है कि नहीं। अब एक एक करके हम लोग 8 से 10 मुठड़ी हम लोग एक साथ ऐड करेंगे। सारी मुठड़ी को एक साथ नहीं ऐड करना है, 8 से 10 पीस को ही एक साथ ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उसको डीप फ्राई करेंगे। ध्यान रखें गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा फास्ट नहीं रखनी है, नहीं तो मुठड़ी ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगी मगर अंदर से कच्ची रहेगी और सॉफ्ट रहेगी, वो क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। आप देख सकते हो मुठड़ी एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो वैसे ही हम लोग सारी मुठड़ी तैयार कर लेंगे। उंधियू स्पेशल मेथी मुठड़ी तैयार है। आप सबको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और काठियावाड़ी उंधियू बनाने की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। तब तक हैप्पी कुकिंग फ्रॉम ममास किचन।